लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट मोशन इन ए प्लेन, और मोशन इन ए प्लेन में पहले वेक्टर मतलब क्या है उससे रिलेटेड का डिस्कशन, देन एक्चुअल में मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन, देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो अभी आगे जो है हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, जिसमें आती है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अभी आप देखो, ये जो रिलेटिव मोशन का पार्ट था हमने लास्ट टॉपिक जो था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसके लास्ट में भी सेम कंसेप्ट पड़ी थी, यही होगी मोशन इन ए प्लेन में भी रिलेटिव मोशन रहेगी। बस 1D एंड 2D में क्या डिफरेंस रहेगा कि 1D में हर बार बॉडी जो है एक तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, उसमें एक तो सेम मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, मतलब उनका जो पाथ है वो हर बार स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ करता था 1D में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जब भी ट्रेवल करेगी तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या फिर दो एक्सिस के अलावा हो सकता है या फिर किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन में दो बॉडी जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकती है। तो इस केस में जो है हमें अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन फाइंड करनी है, तो सपोज हमें स्पेस में बोला गया है कि इस तरह का एक एक्स एंड वाई दो एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक पोजिशन है, आपको बोला है कि सपोज बी है एंड ये दूसरी पोजिशन है जिसको आपको बोला है कि ए है। अब ए का पोजिशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, बी का पोजिशन वेक्टर है आर बी वेक्टर, एंड इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा वो बनेगा आर ए बी वेक्टर। जैसे हम वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कंसिडर करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू ए कंसिडर करते थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, नया कुछ नहीं है, ठीक है। जो 1D में था वही कंडीशन यहाँ पे 2D में भी है। तो यहाँ पे अगर हमें आर ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम सिंपली आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ बी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है वी ए बी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बनेगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की बस सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये बनेगा वेलोसिटी वेक्टर इन दिस केस। आगे अगेन इनको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ए बी वेक्टर बनेगा ए वेक्टर माइनस ए फॉर बी वेक्टर, तो ये भी दो बॉडीज का रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन मिलता है। जहां पे हमने आर ए बी लिखा था इसका मतलब होगा पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी लिखा था इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड वी ए बी मतलब एक्सेलरेशन लिखा था उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही सारी का केसेस होगी और इसको अप्लाई करके जो है हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये रिलेटिव मोशन की बात होती है। जैसे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बोला है कि कार है जिसका एक्सेलरेशन आपको बोला है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड ये कार जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट विद दिस एक्सेलरेशन, ये ए वाली कार की। बी वाली कार के लिए आपको बोला है कि उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ये इस एक्सेलरेशन से नॉर्थ में जा रही है, तो आपको बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यहाँ पे ए में बैठा हुआ पैसेंजर कार बी को अगर देख रहा है तो उसको जो ऑब्जर्वेशन कार बी का ऑब्जर्व होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे अगर ये ए वाले कार का एक्सेलरेशन ईस्ट के टूवर्ड्स है, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा अगर हम कंसिडर करेंगे ईस्ट को, ये डायरेक्शन का हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ एंड ये नॉर्थ। तो उस केस में ए का एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं 2 × J कैप। उसके बाद में बी का एक्सेलरेशन अगर हमें लिखना है
तो नॉर्थ की टूवर्ड से मतलब बनेगा 4 into j क्या, क्योंकि ये प्लस आई माइनस जे एंड प्लस जे, इस तरह की ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए बी ए वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब एक एक्सेलरेशन फॉर बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट इज 4j कैप माइनस ऑफ 2i कैप, या फिर हम इसको माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट होता है कि जो रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन की। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी ये हमें मालूम नहीं है, एंड इस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें याद रखना है कि सपोज ये आंसर में जो मतलब कॉन्स्टेंट आ रहे हैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन निकालनी है। जैसे आंसर में यहाँ पे आई कैप माइनस आ रहा है, मतलब ये इधर आएगा, कितना है 2 m/s², ये एक्सेलरेशन फॉर ए होगा। उसके बाद में जे कैप पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सेलरेशन फॉर बी बनेगा 4 m/s². तो ये डायरेक्शन हमें फाइनल रिलेटिव मोशन के टाइम मिल गई। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ये बनेगी डायरेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर। ये फाइंड करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेटिव की डायरेक्शन फाइंड नहीं करते। हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर दिया, जो आंसर मिल गया तो फाइनल आंसर से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा। अब सपोज यहाँ पे एंगल आपको बोला है कितना है अल्फा है, तो उस केस में अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा है ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म तो आंसर आ गया था, मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो एज यूजुअल रूट में 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर एंड ये 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 16 + 4 मतलब ये आ रहा है √20। तो आंसर बनेगा √20 या फिर 2√5, जो भी ऑप्शन में दिया है उसका सिंप्लीफिकेशन हम ले सकते हैं। एंड रिलेटिव की डायरेक्शन अगर हमें चाहिए तो वो बनेगी α = tan−1/2। tan−1/2 कहा से, tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट 4 है एडजेसेंट 2 है, 4/2 बना 2। तो इस तरह से जो है हर बार हमें क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो इक्वेशन आता है इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ रहा है आंसर के ऊपर से फिर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके डिसाइड करना है कि वेक्टर किस प्लेन में मतलब किस क्वाड्रेंट में एक्ट होगा। एक बार ये आ गया फिर उसके बाद में जो है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एंड tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट इजीली द आंसर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और एक करते सेम टाइप का, क्या है कि आपको बोला एक ट्रेन है मूव कर रही है ईस्ट में विथ वेलोसिटी 20 m/s। अब ईस्ट बोला है, ऊपर का नोमेनक्लेचर अगर हम फॉलो करेंगे ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये साउथ है नॉर्थ है, मतलब ये कौन है आई कैप ये कौन है माइनस आई कैप ये है माइनस जे कैप एंड ये प्लस जे कैप, ये फॉलो करेंगे आप रिलेटिव में हर बार। तो इसका मतलब हम इसको 20 × i कैप लिख सकते हैं। अगेन दूसरी कार है उसको बोला है कि वो 15 m/s जा रही है और वो जा रही है टुवर्ड्स साउथ, इसका मतलब हम इसको −15 j कैप ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली कार ए है ये वाली कार बी है ऐसे दिया, और हमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए observed by passenger in train B, ये ट्रेन है एंड ये कार है, मतलब कार की वेलोसिटी चाहिए जो ऑब्जर्व करेगा ट्रेन का पैसेंजर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है हमें मालूम है कि बेसिकली ऊपर हमने देखा था कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए था बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए का, तो हमने क्या लिया बी ए लिया, मतलब बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। वही केस है ए का एक्सेलरेशन चाहिए जो पैसेंजर ट्रेन का बी देख रहा है, मतलब यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेनी पड़ेगी।
मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए एज पर ऑब्जर्व बाय पैसेंजर इन द ट्रेन, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर बी बना एंड जो ऑब्जर्व करने वाला है वो कौन है, ऑब्जेक्ट ए है। ये वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, वी ए कितना है 20 आई कैप, वी बी माइनस 15 जे कैप है, तो माइनस माइनस बनेगा 15 जे कैप। तो ये आ गया वी ए बी का वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ये वी ए बी वेक्टर आ गया, तो इसमें जो है हम फिर से मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, मतलब ये आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड में आ गई। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो आंसर था हमारा वेक्टर फॉर्म का, ये हमें हेल्प करेगा। देखो आई कैप प्लस है मतलब हमें इधर जाना पड़ेगा 20 आई कैप, जे कैप भी प्लस है मतलब ये इधर जाएगा, मतलब ये बनेगा 15 जे कैप। अब ये रिजल्टेंट आ गया और रिजल्टेंट सपोज अल्फा इतना एंगल बना रहा है, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 15/20, मतलब हमें मिलेगा 3/4। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई फॉर द गिवन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो वन बाय वन हर बार जो भी हमें पूछा जाता है, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, या फिर पोजिशन पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है मोशन इन प्लेन में, तो हमें सिर्फ दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। अगर हमें ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है एंड ऑब्जर्वर बी है, तो जिसकी देखनी है वो माइनस जो ऑब्जर्वर है वो, फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो। उसके बाद में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन का गिवन डेटा नहीं, ये इक्वेशन अप्लाई करने के बाद जो हमें वेक्टर फॉर्म मिलता है उसको ड्रॉ करके उन दोनों के बिटवीन हमें रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन शो करनी है, फिर अल्फा फाइंड करना है बाय टैन थीटा इक्वल्स टू या फिर टैन अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंसी। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल रहेगी इन ईच एंड एवरी केस। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेटिव मोशन की कुछ एप्लीकेशन दिखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। सेम केस हमने जो है 1D में भी पढ़ी थी, लेकिन 1D में क्या होता था, कॉइन हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते थे, वो उसी लाइन के अलॉन्ग वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। एंड उसका एप्लीकेशन अगर मोशन इन ए प्लेन में लेना है, तो हमें मालूम है कि लिफ्ट में पार्टिकल को जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में अब उसमें फर्स्ट कंडीशन हम कंसीडर करेंगे कि लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, हमें मालूम है कि जो भी हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे वो क्या बनेगा, जी प्लस ए बनेगा। यानी कि हमारे जो फॉर्मूले थे उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे, पहले जो रेंज थी आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी थी, अब बनेगी जी प्लस ए। देन मैक्सिमम हाइट यानी एच इक्वल्स टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, वो रिप्लेस होगा टू इन ब्रैकेट जी प्लस ए से। पीरियोडिक टाइम बनेगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, तो ये सारी बातें कब, जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए। एंड हमें मालूम है कि अगर सेम कंडीशन में लिफ्ट अगर नीचे आएगी तो डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ए बनता है। यानी ऊपर के जो सारे फॉर्मूले थे उसमें हमें सिर्फ जी प्लस ए को रिप्लेस करके जी माइनस ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आर इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू बनेगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी माइनस ए, हाइट बनेगी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू इन ब्रैकेट जी माइनस ए, एंड लास्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, फक्त जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कम है वो एक तो प्लस होगी नहीं तो माइनस होगी,
बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी प्रोजेक्टाइल की सारी के सेम रहेगी। अब सेम कंसेप्ट का और एक एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्विमर रिवर प्रॉब्लम। अब सेम रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस किए थे 1D में भी, लेकिन वहां पे दो ही केस थे, एक तो अपस्ट्रीम मूव करती वाली बोट या फिर डाउनस्ट्रीम मूव करने वाली बोट। ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे एक स्विमर रहेगा, उसके डिफरेंट केसेस हम ऑब्जर्व करेंगे जो बोट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हम जो कंसिडरेशन करेंगे, ये कंसिडरेशन हमारा ये होगा कि इस तरह की एक रिवर होगी जिसमें से पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा विथ VW, और इसको हम एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वर रहेगा या फिर स्विमर रहेगा ई, जिसको क्या करना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करके यहाँ पे रिवर को क्रॉस करना है, और रिवर की विड्थ आपको बोला है कि सपोज डी। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन आएगी उसमें हमें याद रखना है कि रिवर जो है वो स्विमर को, मतलब स्विमर को जो यहाँ पे क्या करना है, रिवर को क्रॉस करना है स्विमिंग करके, तो उसको वाई एक्सिस के अराउंड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, बेसिक बातें जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी रिवर ड्रिफ्ट होती है डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द फ्लो विल नॉट हेल्प स्विमर। In crossing a river, मतलब उसको अगर वाटर खींचते हुए डाउनस्ट्रीम लेके जा रही है तो वो ड्रिफ्ट जो होगी वो स्विमर को रिवर में, मतलब रिवर को क्रॉस करने में कुछ भी हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, उसमें इफ स्विमर मूव्स डाउनस्ट्रीम, मतलब वो पानी के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी सभी केस में। अगर वो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगा तो जितनी वेलोसिटी वो स्विमिंग कर रहा है उससे ज्यादा वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो वाटर की वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी को अपोज करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। एंड उसके बाद में अगर वो एट सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कुछ एंगल बना के अगर वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि सपोज इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, ये एंगल थीटा था रिवर फ्लो के डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ थीटा एंड वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, ऐसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेंगे जिसमें ये वी साइन थीटा जो है उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट वेरियस केसेस हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें केस फर्स्ट आती है व्हेन मैन और स्विमर मूव्स विद एंगल थीटा विच इज एक्यूट वन लेस देन 90 degree। ठीक है, अगर वो लेस देन 90 degree मतलब एक्यूट एंगल से ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा उसके लिए, सपोज ये रिवर आ गई, रिवर में से ये वाटर स्विमर को जिस पाथ के अलोंग क्रॉस करना है वो वाई एक्सिस आ गया, इस डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे थीटा इतने एंगल से ये जो मैन है VM विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ट्रैवल कर रहा है विथ एंगल थीटा, तो एज यूजुअल हमें मालूम है हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट रहेगा V मैन कॉस ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड विथ वेलोसिटी ऑफ मैन सेम रहेगा, ऑलवेज हम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही कैलकुलेट करेंगे। एंड ये वेलोसिटी ऑफ वाटर अभी इस केस में दोनों भी सेम डायरेक्शन में होंगे, एंड इसको परपेंडिकुलर जो है वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा ये कंपोनेंट एक्ट होगा। पहले डिसाइड किया है कि विड्थ ऑफ द रिवर हम डी लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, देखो
कि जो स्विमर का अलोंग एक्स एक्सिस मतलब डाउन स्ट्रीम अगर वेलोसिटी हमें पूछी जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों ऐड होंगे एंड इस वेलोसिटी से जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करने लगे। अगर उसको रिवर क्रॉस करनी है तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, देखो कि रिवर क्रॉस करने के लिए उसके पास वेलोसिटी है वी एम साइन थीटा, जिससे वो डी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टी इतने टाइम से। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता है टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन साइन ऑफ थीटा। सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इक्वेशन वहां पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो उस केस में आईएमपी पॉइंट व्हाइल क्रॉसिंग स्विमर विल एक्सपीरियंस ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वो जो है एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा जाएगा, ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करेगा, और उसकी जो ड्रिफ्ट रहेगी वो एस से डिनोट करेंगे, तो वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ एक्स इंटू टी। अब वेलोसिटी ऑफ एक्स मतलब हमें मालूम है कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ थीटा प्लस वी डब्ल्यू, एंड टाइम कितना लगेगा जो रिवर को क्रॉस करने के लिए लगा था, मतलब डी अपॉन वी एम साइन ऑफ थीटा, तो ये बनेगी उसकी ड्रिफ्ट। इतने डिस्टेंस से वो एक्चुअल टारगेट से मूव करेगा, मतलब जो यहाँ पे जा रहा था ना यहाँ से निकल के, तो उसको यहाँ पे पहुंचना था लेकिन जाएगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट होगा। तो आगे की केस आएगी, केस नंबर टू, जब एंगल बोला जाएगा कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में चेंज क्या होगा, बस ये एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा, तो हम यहाँ पे छोटा एंगल जो उसको अल्फा कंसीडर कर लेंगे। अब सारी बातें विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा लेनी है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा आएगा, इधर अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन साइन अल्फा आएगा, विड्थ की रिवर सॉरी रिवर की विड्थ आपको डी दी है, तो अगेन टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना बनेगा, डी इज इक्वल्स टू अगेन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन है, अब वी एम साइन अल्फा। देखो थीटा अगर ले ग्रेटर देन 90 है तो हमें क्या करना है, बस 180 माइनस थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देना, हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ अल्फा है, अल्फा सॉरी, तो उस केस में वो जो है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट करेगा, एंड उसके अगेन ड्रिफ्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे दोनों के वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी इनटू टी, टी मतलब कौन था ऊपर, डी अपॉन वी एम साइन अल्फा। एंड सेम केस में अगर बोला जा रहा है कि वी वेलोसिटी ऑफ वाटर कम है वी एम कॉस ऑफ अल्फा से, तो उसका मतलब वो अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम यानी फ्लो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में खुद के ड्रिफ्ट करेगा, और वो ड्रिफ्ट गिवन होगी वी एम कॉस ऑफ अल्फा माइनस वी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन वी एम साइन अल्फा। ठीक है, ये तो इम्प्रैक्टिकल केस है, ऐसे होता नहीं है कभी कभी, मतलब कभी, लेकिन अगर बोट से रिलेटेड वगैरह प्रॉब्लम दी है तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर स्विमर ही बोल रहे हैं तो स्विमर ऐसे अपस्ट्रीम ट्रैवल करना थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, केस नंबर थ्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिवर क्रॉस करनी है अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ, अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ, रिवर को क्रॉस करना है लेकिन पाथ लेंथ जो है सबसे कम चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए। अब कंडीशन क्या है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो उसके लिए अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से ये ए, यहाँ से अगर बी, ये पाथ अगर देखेंगे देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे कम लेंथ वाला पाथ यहाँ पे हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो
मैन अगर सपोज यहाँ पे थीटा इतना एंगल बना रहा है ये ए बी के साथ में, तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ थीटा, एंड इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आगे रिवर की विड्थ कितनी है, डी ए। तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे वी एम साइन थीटा एंड वी डब्ल्यू ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी क्या होगा कि ये ए से निकल के बी पे जाएगा एंड जो रिजल्टेंट शिफ्ट है वो जीरो होगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ से अगर उसको ट्रेवल करना है तो वहां पे शिफ्ट बोलो या फिर ड्रिफ्ट बोलो, इट मस्ट बी जीरो। एंड ये ड्रिफ्ट जीरो कब होगी, जब वहां पे ये दोनों कंपोनेंट इक्वल रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल रहेंगे। तो यहाँ से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती कि हम कितने एंगल से, मतलब ये ए बी से कितने एंगल की डायरेक्शन में स्विमिंग करना शुरू कर देंगे तो हम शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए बी के अलावा मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इस पाथ के अलावा हमें मूव होने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम तो वही लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का कंपोनेंट वीएम कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए लगने वाला टाइम। अब यहाँ पे जो होता है हम वीएम कॉस थीटा को रूट ऑफ वीएम का स्क्वायर माइनस वीडब्ल्यू का स्क्वायर ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिप्लेस किया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, आप डायरेक्ट यही रिमेंबर करो। तो उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग बनेगा डी अपॉन रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग है लेकिन कहाँ पे, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अगर दोनों वेलोसिटीज गिवन है, कि अगर एंगल डायरेक्शन गिवन है तो हम ये यूज करेंगे डायरेक्टली, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में डेटा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा रिलेटिव यूज करें। सेम सीक्वेंस का लास्ट पार्ट फोर्थ केस, अगर हमें रिवर को क्रॉस करना है और क्रॉस करने के लिए कंडीशन है डिस्टेंस कितना भी हो, हमें टाइम शॉर्टेशन सबसे कम टाइम हम यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, जो रिवर फ्लो होती है वी एक्स, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको अपनी स्विमिंग शुरू करनी पड़ेगी ए बी इस डायरेक्शन में। तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो बनेगा डी अपॉन वी एम, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो यहाँ पे एडजेसेंट कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ही नहीं, पूरी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में एक्ट होगी, एंड जो ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे मिलेगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू डी, ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, स्विमर रिवर हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेन में अगर मैन ट्रेवल कर रहा है, मैन में अगर रेन, मैन में रेन में, ठीक है, तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए जो मोशन या प्लेन की कंसेप्ट थी वो एज इट इज एप्लीकेबल है, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन कैलकुलेट करनी है तो वी एम माइनस वी आर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोला है तो वी आर माइनस वी एम करेंगे, फिर से एंगल फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करके जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो स्टार्ट में किया था हमने रिलेटिव मोशन की, वही सारी बातें रेन मैन में यहाँ पे अप्लाई करनी, कुछ नया नहीं खास। ठीक है, उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसमें जो है हमने 1D में देखा था, अगर टू बॉडीज इन द सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इफ टू बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, हम उन दोनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। अगर वही दो बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब कौन सी प्रोसेस करनी है ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये एप्लीकेबल 1D में था। इसके अगेंस्ट अगर हमें 2D को सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एंड कंपोनेंट से रिलेटेड
हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर वहां पे दो कंपोनेंट के बिटवीन का सेपरेशन अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अगर वही सेपरेशन दो बॉडीज के बिटवीन ये अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल केस है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक कंडीशन रहेगी कि हमें जो है गिवन वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज, तभी हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि एक बॉडी है ए के ऊपर, दूसरी बॉडी है बी के ऊपर, बी के ऊपर जो बॉडी है वो भी इतनी वेलोसिटी से इधर जा रही है, ये एंगल थीटा है लाइन जॉइनिंग का और ए रेस्ट में तो इन दोनों के बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें ये वी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग लाइन जॉइनिंग, दैट इज ये बनेगा वी कॉस थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आगे जा रही है इसलिए बनेगा वी इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्योंकि ये ए से आगे जाने वाली वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अनदर एग्जांपल देखेंगे कि सपोज आपको बोला गया है कि एक बॉडी यहाँ पे एक बॉडी यहाँ, ये सपोज ए है ये बी है, ये ए ट्रैवल कर रहा है विथ वी वन, बी ट्रैवल कर रहा है विथ वी टू, एंड ए ने एंगल बनाया है थीटा वन, बी ने एंगल बनाया है थीटा टू, तो इन दोनों की अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए तो मैं इसका कंपोनेंट लूंगा इधर वी वन कॉस ऑफ थीटा वन, इधर कंपोनेंट आएगा वी टू कॉस ऑफ थीटा टू। अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी वी वन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस वी टू कॉस ऑफ थीटा टू, यानी कि जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते वो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो सेम लाइन मतलब दो बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर एक्ट हो रहे, अगर टू वर्ड्स आ रहे तो एडिशन करेंगे, आगे जा रहे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये नॉर्मल केस हम वहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। और बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है जिसको मैं आईएमपी पॉइंट बोल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर हमें बोला जा रहा है कि दो बॉडीज है और उनको कोलाइड होना है तो वहां पे कंडीशन रहेगी कि टू बॉडीज विल कोलाइड इफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टेड अलोंग लाइन जॉइनिंग दे, दो बॉडीज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके अगर उसके अलोंग अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी लाई कर रही है तभी पॉसिबल है कि दोनों कोलाइड हो सकते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दे मस्ट बी वी वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू वी साइन वी टू साइन थीटा टू, मतलब उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल करके उनकी सम जीरो बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉसिबल हो रहा है तभी दो बॉडी जो है एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, ठीक है। एंड कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है तो सेपरेशन डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वी वन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस वी टू कॉस ऑफ थीटा वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हम सिंप्लीफाई कर सकते। अगर सेम कंडीशन में आपको ऐसे बोला है कि सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर तीन बॉडीज है एंड जिसके ऊपर बॉडी जो है मूव कर रही है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि ईच पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, जिसमें से ए ट्रैवल करेगा ए बी के टूवर्ड्स, बी ट्रैवल करेगा बी सी के टूवर्ड्स एंड सी ट्रैवल करेगा सी ए के टूवर्ड्स, तो कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे वे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल केस हमें देखनी है कि जो बी है उसकी वेलोसिटी इधर है वी, जो सी थी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी एट एंगल थीटा, इसका अगर कंपोनेंट लूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ये बनेगा वी कॉस ऑफ थीटा
यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रही है v इन ब्रैकेट 1 प्लस cos ऑफ थीटा, बट यहाँ पे v इन ब्रैकेट 1 प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल थीटा 60 cos 60 इज 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 यहाँ पे करेंगे तो 3 बाय 2 यानी 3v बाय 2 इतनी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की वेरियस केसेस आएगी, ज्योमेट्रिकल इंट्रोडक्शन आएगा तो उसमें आपको ये पार्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन के कंप्लीट होने से हमारी मोशन इन ए प्लेन वाली सारी बातें कंप्लीट होती है। अब मोशन इन ए प्लेन देखो, यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन रिलेटेड टू मोशन इन ए प्लेन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 140 ऑनवर्ड सॉल्व एग्जाम्पल्स है जो आपको आज के आज ही 2-3 टाइम्स सॉल्व करके कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि 1D एंड 2D दोनों के रिलेटिव मोशन के ऊपर यहाँ पे रिसेंटली 3-4 ईयर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 1D 2D NLM के लिए मैंने बोला है सारे पॉइंट्स को हम इतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रिलेटिव मोशन है या फिर सर्कुलर मोशन है जिनके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन है, तो हम उनको स्किप नहीं करेंगे, उनको टाइम देके प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करने तक फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। अब लास्ट पार्ट बचता है यहाँ पे टॉपिक का, दैट इज सर्कुलर मोशन। बट सर्कुलर मोशन में क्या है कि हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा कि कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन का इंट्रोड्यूस किया है मोशन इन ए प्लेन में, कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस किया है सर्कुलर मोशन का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कुछ पार्ट सर्कुलर मोशन का इंट्रोड्यूस किया है वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो जब हम ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद में सर्कुलर मोशन को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे डायमेंशंस, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ये तीनों भी कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक कंप्लीट हुए। और यहाँ पे जो था मोशन का पार्ट हम कंसिडर करते थे विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। अभी आगे हम जो डिस्कशन शुरू करेंगे उसमें हमें NLM यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखने, जिसमें हमें समझ में आएगा कि बेसिकली फोर्स कंसीडर करके मोशन पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगेन NLM की बात वही है, NLM का वेटेज एग्जाम में जितना इसका सिलेबस का कंटेंट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एग्जाम वाइज वेटेज नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा, दूसरे टॉपिक के साथ मिक्सअप आएगा, इसलिए हमें NLM में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो NLM के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, जितने मैं बोल रहा हूँ उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लेंगे एक बार और NLM को फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशन रोटेशनल, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चन ये तीन टॉपिक के ऊपर आते हैं। एंड जो पहले हमने पढ़े NLM 1D 2D यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आएंगे या फिर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इनके कंपेरिजन में वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशन रोटेशनल सिलेबस छोटा बट वेटेज बड़ा है। ठीक है, बट उनको समझने के लिए यहाँ की सारी कंसेप्ट क्लियर होती रिक्वायर्ड होती है। तो आगे का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए क्या है ना कि NLM में न्यूटन ने जो सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया था उसमें उसने फोर्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली थी, फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें इंट्रोड्यूस किया था। तो फोर्स को पढ़ने के लिए हमें पहले लगेगा लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में उसने फोर्स को रिप्रेजेंट किया था। अब ये लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो हमें प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट कि बॉडी का जो है मोमेंटम मतलब मोशन की इम्पैक्ट करने की एबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि मोशन कितनी कंटेंट है बॉडी में, मोशन कंटेंट इन द बॉडी, ये मेजर करने वाली जो भी क्वांटिटी है उसको हम लीनियर मोमेंटम ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वेरियस केसेस आएगी जिसमें सिंपल सिंपल पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मोमेंटम आ गया, उसके बाद में हमें मेनी एप्लीकेशन में कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। ठीक है, यानी डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बनता है P2 माइनस P1, इसमें से मास तो ऑलमोस्ट सेम होता है तो ये V2 माइनस V1 इस तरह का इक्वेशन भी हमें चेंज इन मोमेंटम का मिलता है। ठीक है,
बट एज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ती, ठीक है। यानी कि सपोज आपको बोला ये कोई भी एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे बॉडी u इतनी वेलोसिटी से इंसिडेंट हो रही है एंड v इतनी वेलोसिटी से वापस जा रही है, तो इस केस में डेल्टा p बनेगा मास इन ब्रैकेट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल कितनी है u, तो इस केस में यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये v प्लस u हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे बीच में पहले माइनस करते थे प्लस q लिया, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर ये डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मॉड में अगर लेंगे तो ये m इन ब्रैकेट v प्लस u ही बनेगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पे m इन ब्रैकेट v माइनस u लिख देते, लेकिन ये केस यहाँ पे नहीं है। सेम केस में अगर हमें बोला जाता है कि एक डायरेक्शन में यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है विद वेलोसिटी u एंड ये दूसरे डायरेक्शन से यहाँ पे वापस जा रही है, अब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुआ है इसलिए इंक्लाइन प्लेन में इस तरह के ऑब्लिक डायरेक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉडी का मास m था m, तो इस केस में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट लेने के बाद जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मतलब अलोंग रिजिड सपोर्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो कुछ काम के नहीं होंगे, तो हमें चेंज इन मोमेंटम जो है वो मिलेगा डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो ये प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव ले रहे हैं कौन सी निगेटिव ले रहे हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये केसेस जो है आगे एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम है उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फोर्स, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और फोर्स को हम डिफाइन करते हैं पुश और पुल। किसी बॉडी को खींच रहे हम या ढकेल रहे तो उस केस में जो बॉडी ने एक्सपीरियंस किया था उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए फोर्स, एंड इसी फोर्स को समझाने के लिए न्यूटन ने तीन लॉ का इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट लॉ में उसने बोला कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक उसके ऊपर कोई आके एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। सेकंड लॉ में जो फोर्स होता है वो होता है डीपी बाय डीटी एंड सिंप्लीफाई करके ये बनेगा एम ए, एंड थर्ड में न्यूटन बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इनको समझने के लिए वन बाय वन फर्स्ट लॉ जो हमें देखना है तो उससे रिलेटेड हमें इनर्शिया को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसे बोला जाता है। अब इनर्शिया मतलब है क्या, देखो इनर्शिया मतलब होता है टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर, जिसकी वजह से मैटर क्या करेगा अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा उसकी जो भी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे वो पहले रेस्ट में था बाद में मोशन में सेट कर दिया, या फिर पहले मोशन में था अभी उसको रोक के रेस्ट में लेके आ गए, तो हर बार बॉडी जो है उसको चेंज करती है अपोज करने के लिए और उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। फिर इनर्शिया रेस्ट का हो सकता है मोशन का हो सकता है या फिर डायरेक्शन का हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से इनर्शिया का लॉ होता है। उसके बाद में न्यूटन का सेकंड लॉ तो हमने ऊपर ही देखा, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एफ इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी या फिर एम इंटू ए या फिर एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से हम जो है बेसिकली सेकंड लॉ अप्लाई करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सेकंड लॉ अप्लाई करने के बाद हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मास कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है जो अननोन है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी कभी क्या होता है, जो फोर्स के यूनिट है नॉर्मली न्यूटन इन एस आई सिस्टम सीजीएस इन डाइन सिस्टम इनको छोड़ के अगर हमें फोर्स दिया जाता है केजीएफ में किलोग्राम फोर्स में, तो हमें वहां पे याद रखना है कि 1 किलोग्राम फोर्स अगर देंगे तो हम वहां पे उसको रिप्लेस करेंगे बाय 9.8 न्यूटन। मतलब क्या है कि 1 किलो का फोर्स, अब 1 किलो का फोर्स मतलब 1 किलो का वेट, वेट मतलब एम जी, एम अगर 1 है जी 9.8 है तो ये 1 kgf बनेगा 9.8 न्यूटन। उसी तरह से कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राम फोर्स में देते हैं, एंड ग्राम फोर्स में अगर इंफॉर्मेशन दी है तो ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू बनता है 980 डाइन।
भी 989 कहाँ से आ गया, तो ये जो 1 न्यूटन था वो 10^5 डाइन होता है, तो सीजीएस में कन्वर्जन करते टाइम ये 989 हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यूनिट डिफरेंट सिस्टम में भी देंगे तो हमें यूज करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। अब न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आती है क्वेश्चन की, जिसमें हमें मास वैरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स। मास अगर चेंज हो रहा है, वैरी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमें कैलकुलेट करने, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें डीएम बाई डी टी दिया जाता है, ठीक है। डीएम बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि सर मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, फिर ऐसे कैसे चेंज होगा। मतलब क्या है कि आपको एप्लीकेशन में बोलेंगे कि एक टैंक है जिसमें पानी भरना है हमें, मतलब मास क्या हो रहा है ऐड होता जा रहा है और उसका रेट है 2 kg/s। तो मतलब सिस्टम का जो चेंज होने वाला मास है, एक तो ऐड होगा, नहीं तो हम वहां से निकाल लेंगे उसको, हम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, वो कंसिडर यहाँ पे नहीं लगा रहे, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स जो डीपी बाई डी टी होता है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यहाँ पे डीएम बाई डी टी एंड मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट लेंगे तो ये डीएम बाई डी टी बनेगा। यानी यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट, ये रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट हो या फिर फोर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके एप्लीकेशन से वन बाय वन, जैसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन है। अब ये जो रॉकेट प्रोपल्शन है उसमें भी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सेम ही रिलेशन रहेगा, मतलब थ्रस्ट जो एक्ट होगा रॉकेट के ऊपर उसका मास बर्न होने से फ्यूल का, तो वो बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी टी। तो अगर हमें थ्रस्ट दिया है, डीएम बाई डी टी दिए, तो हम अर्थ से इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कंडीशन ये रहेगी कि अगर वहाँ पे एट एनी इंस्टेंट हमें वेलोसिटी पूछी जाती है, तो एट एनी इंस्टेंट दिस वेलोसिटी विल बिकम वी नॉट प्लस वी आर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट बाय एम। एम नॉट मतलब टोटल मास, एम मतलब जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी, वी नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब उसका मास, वी नॉट वेलोसिटी व्हेन मास कितना था, टोटल था, मतलब एम नॉट। उसी तरह से वी मतलब क्या होगा वेलोसिटी होगी जब उसका मास दिया हुआ। इस तरह से रॉकेट की थ्रस्ट की या फिर वेलोसिटी की जो भी कंडीशन पूछी गई है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वेरिएबल मास प्रॉब्लम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, और उस केस में अगर हमें बोला जाता है कि जो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो है यानी क्यू है वो दिया है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, इसको हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इसके ऊपर से अगर मुझे डीएम बाई डी टी कैलकुलेट करना है, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस करेंगे, तो ये रो ए वी ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है, रो इनटू ए इनटू वी। यहाँ पे ये जो वी है इसका मतलब वेलोसिटी है क्योंकि ये स्मॉल वी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डीएम बाई डी टी कैलकुलेट कर लेंगे, एंड एक बार डीएम बाई डी टी आ गया तो थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट क्या होगा वी इंटू डीएम बाई डी टी यानी रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर, स्मॉल वी ड्रॉ किया है फिर से एक बार, इसका मतलब ये क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हमें डेटा इन टर्म्स ऑफ क्यू दी गिवन है तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए, अब क्यू का मतलब होगा रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो रो इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए एक्सप्रेशन हो गया। उसी में अगर हमें बोला है कि जेट ऑन वॉल, अगर हम वाटर का जेट वॉल के ऊपर फोकस करके अगर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो फोर्स एग्जर्ट बनेगा एग्जर्ट होगा वो रो ए वी स्क्वायर ही रहेगा बट उसमें अगर हमें बोला जाता है जेट इज रिफ्लेक्टेड बैक विथ सेम वेलोसिटी,
सेम वेलोसिटी से वाटर का जेट अगर वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में फोर्स बनेगा ट्वाइस ऑफ रो ए वी का स्क्वायर। फर्स्ट क्या होगा, डबल हो जाएगा, एंड उसकी वेलोसिटी अगर डबल नहीं हो रही है तो उस केस में बस हमें वी एंड यू कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम एप्लीकेशन है अगर हमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना है बाय द बुलेट्स इन केस ऑफ मशीन गन, तो वहां पे थ्रस्ट इक्वल्स टू बनेगा एन इंटू एम इंटू वी। एन का मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, एम का मतलब मास ऑफ ईच बुलेट, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो हम फायर कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन इस तरह की कि सपोज आपको बोला है कि एक डिस्क है जो नीचे गिरने वाली है और उसको हम गिरनी नहीं चाहिए इसलिए कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एम जी होगा वेट, इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस ऑफ एन एम वी, इतनी बुलेट्स अगर हम पर सेकंड फायर कर देंगे यानी की तरह, तो उस केस में डिस्क नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर हम बोला जाता है कि एक चेन है जिसको हम ग्रेजुअली ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में जो थ्रस्ट का फोर्स एक्ट होगा वो बनेगा ट्वाइस ऑफ लैम्ब्डा इंटू वाई इंटू जी, जहाँ पे लैम्ब्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वाई मतलब हाइट, कितने हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें फोर्स ड्यू टू वेट बोला जाता है कि बॉडी का जो भी वेट होगा उसकी वजह से कितना फोर्स एक्ट होगा, तो उसको हम थ्रस्ट ड्यू टू वेट लेंगे, तो वो बनेगा लैम्ब्डा इंटू वाई इंटू जी। यानी चेन जब हम ग्राउंड के ऊपर एग्जर्ट करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स बनता है थ्री लैम्ब्डा वाई टाइम्स ऑफ जी। तो वेरिएबल मास प्रॉब्लम रिलेटेड ये सारी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बातें थी। अभी जो है छोटी छोटी बातें जिसमें फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर मालूम है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद में जो हम मैकेनिक्स कंसिडर करेंगे, फोर्सेस इन मैकेनिक्स, उसमें जितने भी फोर्स हमें कंसिडर करने हैं, तो उसमें क्या है कि फोर्स दो टाइप के होता है। एक जो है वो रहेगा फील्ड फोर्स एंड दूसरा जो है वो बनेगा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट की वजह से, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स। अभी जो फील्ड फोर्स है इसमें हम दो टाइप के फील्ड फोर्स कंसिडर करते हैं, पहले आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एंड दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। एंड उसके बाद में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है उसमें एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, नहीं तो टेंशन इन द स्प्रिंग होगा, नहीं तो बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फ्रिक्शन होगा। तो ये तीनों भी जो है कॉन्टेक्ट टाइप के फोर्सेस के एग्जाम्पल्स है। तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप के फोर्स कंसिडर करने हैं, कॉन्टेक्ट टाइप के फोर्स भी लगेंगे एंड उसके साथ में जो फील्ड के फोर्स है एक्चुअल कॉन्टेक्ट होने से पहले एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, उनकी भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन ये सारे जो फोर्सेस है कैसे एक्ट होते हैं, क्या एक्ट होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, बस वही केसेस अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे कि अगर बात वेट की आएगी तो वेट जो है ऑलवेज रहेगा एम जी, इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड। उसके बाद में जो टेंशन इन द स्प्रिंग है जो ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द स्प्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्प्रिंग। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर बात फ्रिक्शन की करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, साथ में ही ये एक्ट होगा पैरेलल टू द सरफेस, जो भी सरफेस रहेगा उस सरफेस को पैरेलल डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, एक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बेसिक कंडीशन होती है, फिर इनको अप्लाई करके हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके फिर इक्वेशन सिंप्लीफाई करते, तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए थे, फिर से हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व एग्जांपल जो है कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक के आप एक बार देख लो, सॉल्व नहीं करेंगे आप, बस देख लेंगे प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे, टेंशन कहाँ पे, ये सारी बातें हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसमें से अगर हमें कंसिडर करने को बोला है कि हमने एक बुलेट फायर की है
एंड पासेस थ्रू ब्लॉक बोला। मतलब एक वुडन ब्लॉक था जिसमें से बुलेट पास हो गई, तो उस केस में पास होने के बाद बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पूछा जाता है। तो उस केस में जो है कंडीशन क्या बनेगी, एंड उसमें क्या होगा, बुलेट पास होने के बाद ब्लॉक जो है वो भी मोशन में सेट होगा, ये भी एजम्पशन हमारा। तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो बनेगी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू वी, फिर स्मॉल एम मतलब मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम मतलब ब्लॉक का मास, वी मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी। अगर आपको बोला जाता है कि उस केस में बुलेट एम्बेड हो रही है इनटू स्टेशनरी ब्लॉक, बुलेट इज एम्बेडेड इनटू स्टेशनरी ब्लॉक, तो उस केस में बुलेट एंड ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो बनेगी स्मॉल वीएम इनटू वी, स्मॉल वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अगेन स्मॉल एम मास ऑफ द बुलेट, कैपिटल एम उस ब्लॉक का मास, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगर वहां पे बोला जाएगा कि ब्लॉक को पेनिट्रेट करके वो बाहर आएगी, तो आफ्टर पेनिट्रेशन उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रहेगी वो बनेगी एम इंटू वी माइनस वी वन अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो ये बुलेट एंड ब्लॉक के सिस्टम के अगर क्वेश्चंस दिए तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन की एट रेस्ट एक बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है, एंड हमें मालूम है कि एक्सप्लोजन में वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो अगर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पे अप्लाई करेंगे तो दो पार्ट हो रहे हैं उसके, अगर एज्यूम करेंगे तो वी वन अपॉन वी टू बनेगा एम टू अपॉन एम वन, मतलब जिसका मास ज्यादा है वो कम वेलोसिटी से, जिसका मास कम है वो ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा इन द स्पेस। अब इस केस में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी रिलेशन पूछा जाता है तो के वन बाई के टू इज इक्वल टू बनेगा एम टू बाय एम वन, अगर वहां पे मोमेंटम को कांस्टेंट है, मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज। एंड फिर यहाँ पे K1 एंड K2 का रेशियो लेके इनको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हमें रिलेशन मिलता है K1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू K1 प्लस K2। सेम वे K2 के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉडीज की सेपरेट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं K1 एंड K2। तो इस तरह से जो है लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्वेशन अप्लाई करके हम जो वेरियस केसेस है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है थ्योरी कुछ है नहीं एनएलएम में, ज्यादातर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर ही ध्यान देना होता है, बट एज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिए थे, यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बस यहाँ पे प्रोसेस एक बार देखने के लिए वन बाय वन सारे एग्जांपल्स से गो थ्रू करना है, उसको रीड करना है, देखना है कि प्रोसेस उसकी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें हर बार आपको अगर बॉडी अपवर्ड जा रही फिर वो लिफ्ट में जाएगी या फिर मंकी रोप के ऊपर जाएगा, तो इस तरह के एप्लीकेशन में हर बार उसको जी प्लस ए से रिप्लेस करना है। बॉडी को अगर हम डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो हर बार उसको जी माइनस ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर मंकी होगा या फिर आपको बोलेंगे कि लिफ्ट में बिठा के ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे लेके आ रहे हैं, तो वेट का क्या होगा, वेट कम होगा ज्यादा होगा कितना होगा, तो वो सारी बातें कैलकुलेट करने के लिए यही इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करने वाली, ठीक है। इसके बाद में जो एस एच एम में हमने रिस्टोरिंग फोर्स देखा था वही अगर स्प्रिंग रिलेटेड हमें दिया है तो हम यहाँ पे एफ इक्वल्स टू के इंटू एक्स ये रिलेशन भी अप्लाई करके वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। एफ मतलब फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, जो के दिख रहा है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट ऐसे भी बोला जाता है, एंड एक्स जो है वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग को रिप्लेस करके अगर हमें स्प्रिंग दिए तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बस ये फोर्स वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी फिर से
मैंने जो ऊपर बात बोली थी कि सपोज वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस है या फिर वीइंग मशीन है, उसको अगर हमने लिफ्ट में रखा है, जिसकी मेजरमेंट करनी है उसको भी अगर हम लिफ्ट में रखेंगे तो लिफ्ट में क्या हो सकता है, वो रेस्ट्री हो सकती है या फिर अपवर्ड जा सकती है या फिर डाउनवर्ड आ सकती है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो रेस्ट के सिमिलर केस रहेगी, जी का जी बनेगा। लेकिन अपवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए तो वो बनेगा जी प्लस, डाउनवर्ड आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए तो वो बनेगा जी माइनस ए। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, जहाँ पे बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मतलब मूव हो रही थी, वही बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़ के इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस हमें एक प्रोसेस स्टार्ट की जो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको देखना पड़ेगा कि जो बॉडी है उसका वेट तो एम जी हमेशा से डाउनवर्ड एक्ट होगा, बट जो एम जी के हम कंपोनेंट्स लेंगे वो कंपोनेंट लेते टाइम ये एंगल थीटा होता है, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा बनेगा एंड सरफेस को परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एम जी साइन थीटा बनेगा, एंड इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो कोई भी इंक्लाइन प्लेन दिया तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी स्टेप से स्टार्ट होगा, जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे बैलेंस करती है, कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मोशन को हेल्प करता है, ये सारी बातें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बार एफबीडी ड्रॉ हो गई, फिर इसके साथ क्या होगा, एक तो पुली हो सकती है जिसको स्प्रिंग कनेक्टेड है या फिर स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे, हमें अननोन क्वांटिटी जो भी दी जाती है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज इम्पल्स। अब इम्पल्स मतलब क्या होता है कि सपोज वेरी लार्ज फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है वेरी स्मॉल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उस फेनोमिनन को हम बोलते हैं कि वो इम्पल्सिव फोर्स है। और ये इम्पल्स जो है इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल्स टू हमें एफ इंटू डेल्टा टी फोर्स इंटू टाइम, इस तरह का इक्वेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स होता है, हम नेल को फिक्स कर रहे हैं, हैमर जोर से लेके आ रही है उसके ऊपर बमबार्ड कर रहे हैं, तो वो सारी केसेस में जो है मतलब जहाँ पे बॉडी का कॉन्टेक्ट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी बॉडी वहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसको हम इम्पल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी जिसमें हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया था, अभी सेम कंसेप्ट का रिपीटेशन होगा, बस एडिशनल पार्ट क्या है हम वहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर करें। अब फ्रिक्शन को कंसिडर करते टाइम फ्रिक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सेल्फ एडजस्ट करता है, खुद को एडजस्ट करता है। इसके बाद में दूसरा आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कांस्टेंट होता है, पहली बात तो एक्ट होता है आफ्टर स्टार्टिंग मोशन ऑफ बॉडी, ये एक्ट होता है बिफोर स्टार्टिंग मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की मोशन शुरू होने से पहले जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन शुरू होने के बाद में जो एक्ट होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से ये जो फ्रिक्शन है बॉडी के ऊपर एक्ट होंगे, इनका काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, एंड ये फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यन है, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए म्यू एम जी ये, या फिर इंक्लाइन प्लेन अगर है तो म्यू इंटू एन, ये वाला रिलेशन हमें यूज करना है। यहाँ पे जो बेसिक बातें हमने पढ़ी थी पहले वही सारी एप्लीकेबल रहेगी, बस एडिशनल फोर्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि वहां पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी। इसका हमेशा से काम रह काम होता है कि बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बॉडी के मोशन को अपोज नहीं करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। रिलेटिव मोशन मतलब दो बॉडी के कांटेक्ट में जो सरफेस है उसमें जो रिलेटिव मोशन होगी उसको अपोज करने वाली केस है। और इसलिए क्या होता है कि बॉडी की जो मोशन होगी उस मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमें जो फोर्स लगता है उसमें से मैक्सिमम फोर्स इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हम यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें बाकी सारी केसेस जो पहले पढ़ी थी उसकी सिमिलर होगी,
बस इन एडिशन यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा एक फोर्स का जो सरफेस को पैरेलल एक्ट होगा, जिसका काम होगा मोशन को अपोज करना या फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना। ठीक है, तो एनएलएम रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें इतनी है, बट एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, काम की इंफॉर्मेशन है जो हेल्प करेगी, वो आपको सॉल्व एग्जांपल देख के मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनएलएम के ईच डे 50-50 अराउंड 200 क्वेश्चन है, तो आज 50, थर्सडे को 50, फ्राइडे को 50, सैटरडे को 50, तो ये 50-50-50 एग्जांपल सॉल्व नहीं करना है, देखना है लेकिन रीड करना है स्टेप बाय स्टेप, उसको एकदम ध्यान देकर ऑब्जर्व करना है। 4 दिन में ये 50-50 क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या होगा, एकदम ये फ्रिक्शन या फिर एनएलएम है इसकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, मतलब एफबीडी रिलेटेड प्रॉब्लम छोड़ के जो कुछ भी टॉपिक में मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उससे रिलेटेड बातें हमने डिस्कस की है। ठीक है, एंड एफबीडी रिलेटेड बातें तो आपको मालूम है कि वहाँ पे अगर हमें सरफेस दिया है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखेंगे तो उसका वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अगर दो बॉडीज है, अगर हम उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर बॉडी रेस्ट में बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ नेट फोर्स 0 लेंगे। अगर बॉडी बोलेंगे कि मोशन परफॉर्म कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो समेशन ऑफ एफ इक्वल्स तो हम ma करेंगे। ठीक है, तो ये अगर पुली रिलेटेड प्रॉब्लम आता है इस तरह से, एक पुली है, इधर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इधर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो उस केस में m2 माइनस m1 इंटू जी, ये नेट फोर्स बनेगा अपॉन नेट मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको सॉल्व एग्जांपल देख के समझ में आएगी। एंड अभी रिवीजन से रिलेटेड लेक्चर चल रहे हैं तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एनएलएम से रिलेटेड मैं खुद कम वर्क कर रहा हूँ और आपको ज्यादा वर्क करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने कम वर्क किया था और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए थे। ठीक है, तो उल्टा पार्ट अब यहाँ पे फॉलो करेंगे आप। तो आज जो है हमने रिलेटिव मोशन, रिलेटेड टू मोशन इन प्लेन एंड एनएलएम इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, उससे रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की है। तो रिलेटिव मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखने नहीं है, सॉल्व करने हैं। एंड एनएलएम के जो है ईच डे 50-50 क्वेश्चन जो है आपको देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनएलएम का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो कम्प्लीट होता है। अब बात बचती है रिलेटेड टू वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल। ठीक है, तो कल जो है हम वर्क फॉर एनर्जी एंड कोलिजन की बातें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल। मतलब इस वीक में जो है हमारा 11th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट पूरा थरोली रिवाइज करके हो जाएगा। एंड जो इवनिंग 4 को वर्कशीट में सेंड कर रहा हूँ, कुछ लोग कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं, उनके साइमल्टेनियसली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रहे हैं जो और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हेल्पफुल है। जो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट जितने पॉसिबल है उतने करो, 50 नहीं हो रहे 5 करो, 5 नहीं हो रहे 2 करो, 10 करो, जितने आपसे हो सकते उतने करो, कुछ ना कुछ वहां पे एडिशनल आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो सफिशिएंट है आज के लिए, रुकते हैं, वर्क फॉर एनर्जी कल शुरू करेंगे एंड रेगुलर बैचेस के लेक्चर एज पर शेड्यूल रहेंगे। सो हैव अ नाइस डे।